पाठ के बाद महतारी से गोश्त मछली पका खाओ, महतारी बाद तरकारी खाए, तो ये तो बाबू अल्लाह है जाने, हम तो नहीं जानते कुछ। वह बेटवा कहे, वो बेटवा पैदावार आ कि मौलाना अब्दुल कयूम साहब रहमानी कहते थे कि बड़वा चर पैदा हुआ था। एक बार तो हमने उनसे पूछा था जवानी के जमाने में, हमने कहा मौलाना बड़वा चर क्या है, कहा नहीं जानते हो, हमने कहा नहीं, कहा खुड़ी में सांप होता है हमारे तरफ, तो छह महीना यहाँ मुंह रहा था, छह महीना यहाँ होकर ना है बड़वा चर, तो ये बड़वा चर रहे ये, चाहे उनके माई भूखे रहे जिंदगी भर, वह उनके मेहरारू बढ़िया से बादाम खा नहारी। हाँ मतारी बाप सुनाए ले देख, ऐसन मनई रात दिन काबम बैठा रहे, जन्नत उन्नत को उम्मीद ना करे, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मां बाप के खातिर पुल छोड़ना जायज है और दूसरे खातिर महतारी बाप छोड़ना जायज नहीं है, ये फैसला है। और बुढ़ापे में तो हर कोई आधा पागल हो जाता है, ये तो कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, उमन नो अमीर हो नोनक पिस हो फिल खल के अफलाता तिलून। ए दुनिया के मर्द और औरतों, हम जिसकी जिंदगी लंबी कर देते हैं 100 बरस, 105 110 बरस, नोनक पिस हो तो हम उसको टेढ़ा कर देते हैं, झुका देते हैं, कुबराहा कर देते हैं और उसके दिलो दिमाग को गड़बड़ कर देते हैं। कब वो नाराज हुआ उसको होश नहीं है, कब वो खुश हुआ उसको होश नहीं है, कुछ पता नहीं है मुंह से। हर 10 मिनट पर उस बूढ़े का दिमाग बदलता रहता है, गाली भी दे देता है अपनी पोतियों को, मां बहन की पूछो बप्पा यह कुल कर वो कहो देखो इल्जाम लगाओ तो भला हम गरियाए अपने पोती को, जबकि गरियाए हैं। यह है बुढ़ापा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े खुतबा देने के लिए, तो पहले मिंबर पर पैर रखा तो कहा आमीन, दूसरे पर रखा तो कहा आमीन, तीसरे पर रखा तो कहा आमीन, अय अल्लाह कबूल कर ले, अय अल्लाह कबूल कर ले, अय अल्लाह कबूल कर ले। हमारे यहां का मिंबर थोड़ा उल्टा होता है, हमारे यहां का इमाम यक्के मिंबर पे चढ़ता है और दूसरे बैठ जाते हैं, लेकिन उस वक्त का वही मिंबर अगर ऐसे उलट दिया जाए ऐसे, तब इमाम पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी पर आ जाएगा, लेकिन जगह की कमी की वजह से हमारे यहां ऐसे ही बना दिया जाता है, दोनों सूरत जायज है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ई जिंदगी भर कबो नाई, ई आज का है, आप आमीन आमीन तीनों मर्तबा मिंबर पे कहे, इसके पहले कबो नहीं कहे, मक्का में नहीं थे जब तक थे तब तक नहीं कहे, मदीना में आए तो नहीं कहते थे, आज का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब मैं पहले मिंबर पे कदम रख रहा था तो जिब्रील अलैहि सलाम आ गए मस्जिद में और मेरे दिल में कहने लगे, मेरे दिमाग में कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, दुनिया में सबसे बड़ा बदनसीब वो आदमी है, सबसे बड़ा हिरमा नसीब, सबसे बड़ा नालायक, सबसे बड़ा बदबख्त गया गुजरा, कुकुर बिलार से भी गया गुजरा। कौन? घर जिसके जन्नत आई और आकर चली गई। पूछा सहाबा ने कि वह बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी हजरत बारी में घट गई। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो मलऊन और बदबख्त और बुरा आदमी कौन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में उसकी इज्जत घट गई।
अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया घर उसके जन्नत आई और आकर चली गई, जन्नत घर में आई लेकिन वो बदबख्त जन्नती नहीं हो पाया। वो जन्नत क्या थी? बूढ़ी बूढ़ा थे, मां बाप थे, घर ही तो आए थे, घर ही तो रहे, कौन ला में जाकर आग खरीद है, माई बाप घर ही गए। घर जिसके जन्नत आई और आकर चली गई, बुढ़िया बुढ़वा मर गए मां बाप दोनों, लेकिन घर भी मिसे मर गए, लेकिन ये जन्नती नहीं हो पाया। वो बहुत बड़ा बदबख्त है, बहुत बड़ा बदनसीब है, बहुत बड़ा हिरमा नसीब है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। कहा ठीक है, दूसरे जीने पर आपने क्यों कहा? कहा दूसरे जीने पर इसलिए कहा कि रमजान का महीना साल में एक मर्तबा आता है, और रमजान का महीना वो मर्द औरत पाए और रोजा रख करके नफिल पढ़ के सदका खैरात करके जन्नती नहीं हो गए। वो भी तो घर ही में आया था रोजा, ना घर ही में आया था, कहीं जाना नहीं था कि जाग पड़ा। कहा तीसरी मर्तबा आपने आमीन क्यों कहा? कहा तीसरी मर्तबा इसलिए आमीन मैंने कहा कि जहां मोहम्मद का नाम आए मेरा नाम आए, वहां वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद इन्ना कह सके। इन तीनों से बदबख्त ज्यादा कोई नहीं, ये मुसलमान है। ऐसे मुसलमानों के लिए दुनिया में इज्जत है, कब्र में इज्जत है, मरने के बाद जन्नत है, और उन्हीं के लिए तबलीग है, तकरीर है, कुरान है, बस इसके आगे कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कुरान में मा सलककुम फी सकर, जब दुनिया खत्म हो जाएगी जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। इंसानों से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों का हिसाब करेगा। सारी दुनिया में जितने जानवर पैदा हुए उन जानवरों का हिसाब होगा, और वो जानवर हिसाब देंगे। आपने अगर जानवर पाला, पेट भर खाना नहीं खिलाया, आपने डंडों से मारा है, आपने वो बीमार था उसको दवा नहीं कराया, धारी में वो ऐसे मर गया तड़प करके, ये सब कुछ लिखा है अमाल में, वो हिसाब होगा। आप नहाए धोए लेकिन गाय गोरू का घारी दरबा महीने दो महीने में भी साफ नहीं किए, दवा वा नहीं बहाए, इन सबका हिसाब होगा। हमारे यहां एक बुजुर्ग थे, मर गए अल्लाह जन्नत दे, एक तू बैल लाए, तू गादर रहे बैला, चार छह लाइन चले तो इसे बैठ जाए, अब वो पूछ ऐठ ऐठ डंडारे थोड़े खड़ा होकर चलते से फिर बैठ गया। जब आजीज आ गए तो कुदाल उठाया तो चार अंगूर पूछ काट दिया एक गिट्टी, अब उठा लगा चल दर्द में, चार छह आतर चला तो फिर बैठ, फिर दो गिट्टी काट दिए, फिर चला, चलते 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 तीन मंडी खेत जोत डाली, फिर बैठी हुआ फिर काट दिया। मतलब आठ नौ बरस तक वो बैल जिंदा था माड़ा, लेकिन फिर कभी बैठा नहीं। लेकिन ये कुदाल से कई कई की गिट्टी काट देना ये जुल्म नहीं था है? ये जुल्म था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जा रहे थे, एक ऊंट ने मुंह झपकाया ऐसे बुलाया तो अल्लाह के रसूल गए, तो अल्लाह के नबी के कंधे पर उसने अपना गर्दन रख दिया ऊंट ने, और फगुरी करने लगा तो अल्लाह के नबी ने कहा ये ऊंट किसका है जरा बुला के लाओ तो उसको। गए कहने चल अल्लाह के रसूल बुलावत है तोर ऊंटवा, उनके कन्हवत मुड़िया धरे है पता नहीं का है।
आया खड़ा हुआ तब से, कहा ये तेरा ऊंट हमसे कह रहा है कि हमारा मालिक पेट भर के हमको खाना नहीं देता है और अपना खा के घर में सोता है। देख इसके आंसू, देख कीचड़, देख कीचड़ और आंसू ऐसे नहीं गिरता है किसी को। ताक और ये भी कह रहा है कि जवानी में जय बोरा मेरे पीठ पे लादता था, आज बुढ़ापे में भी वो उतने बोरा लादता है। डर जा अल्लाह से, वरना तेरी गरीबी और तेरी दरिद्रता कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी इसी ऊंट के तकलीफ के रोने की वजह से। मालूम यह हुआ कि गाय गोरू भैंस मुर्गी मुर्गा कबूतर जो घरों में पाले जाते हैं, उनके दाना का, पानी का, बीमारी का, हर चीज का लिहाज इंसान को करना है। अगर वो नहीं करेगा तो खुदाए मोहम्मद की कसम यह हदीस मौजूद है उसके लिए, विपत से कभी पाक नहीं हो सकता है। अगर आपने कुत्ते का पैर तोड़ दिया है लाठी से और वो चल नहीं पा रहा है, रोजी नहीं खा पा रहा है, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर आपने बिल्ली का पैर काट दिया है मार करके और वो रोजी नहीं तलाश रही है, तो मारने वाला ये समझ जाए कि दुनिया में उससे ज्यादा जलील होगा और मरने के बाद जहन्नम में जाएगा। ये मुसलमान है जो जानवरों के हुकूक समझते हैं। कुकुर बिलार को कहां मारा जाए, कहां भगाया जाए, कहां डांटा जाए। पालतू जानवरों पर कितना ही रुपया लग जाए दवा इलाज करने में, दरेग नहीं करेंगे, उसका इलाज कराते हैं। ये मुसलमान है। आपको रात भर नींद नहीं आ रही है और घारी में जानवर तड़प रहा है, तो कोई ना कोई रास्ता तो आप पर आएगा ना, ऐसे थोड़ी है कि सुकून से रह लेंगे। तो ये सारे हुकूक की जिम्मेदारी एक मुसलमान की है, तब वो दुनिया में सलहंत रहेगा, नहीं तो एकदम उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी और ऐसे मौत के मुंह में चला जाएगा। तो जब हिसाब जानवरों का होगा, हिसाब हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा, सींग वाली बकरी ने भुंडे सींग वाली बकरी को अगर मारा होगा तो अल्लाह उसे सींग देगा कयामत में, वो उस सींग से मार करके उससे बदला लेगी। अल्लाह ताला कहेगा, बदला पूरा हो गया दुनिया का? कहेगी हां हो गया इंसान। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम सब माटी हो जाओ, माटी हो जाओ, सब माटी हो जाएंगे। और सारे इंसान जिन्ना देखेंगे कि बकरी, भेड़, गाय, गोरू, भैंस, शेर, बाघ, चीता, पंख, पखेरू, कुल माटी हो गए। हिसाब के बाद हो गए, खत्म हो गए। अब कुरान में आगे पढ़ो, फयकूलुल काफिरो या लैतनी कुंतु तुरावा। काफिर कहेगा, है काश हम भी इन्हीं जानवरों की तरह आज माटी हो जाते, हिसाब न देना पड़ता। यौम यफिरुल मरु यौम इज़िन बिबनी। उस दिन आदमी भागेगा अपने बेटे किसे पहचानेगा नहीं, वो उम्मे ही युवा भी, और अपने मां बाप से भी भागेगा, उन्हें चीने पहचानेगा नहीं। वो फसील के हिलती तो भी, और जिस गांव में जन्मा था, पैदा हुआ था, उस गांव में भी किसी को नहीं पहचानेगा। इतना सख्त अजाब, इतना सख्त तकलीफ होगी, बावला और दीवाना हुआ होगा। और कहेगा, या लैतहा कानतिल काजिया, ऐ काश कि ये इंसाफ का दिन ना होता, फैसले का दिन ना होता। मांगना ली मालिया, जिस दौलत पर हमने गुनाह किया था वो दौलत भी आज दूर भाग गई। हलकानी सुल्तानिया,
मेरी बादशाहत ने, मेरी हुक्मरानी ने, मेरी नेतागिरी ने, मेरी चौधराहट ने ही मुझे जहन्नम में डाल दिया। कहां जाऊं, कहीं तो कोई राह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चिल्लाने को देख करके गुस्से में आ जाएंगे और अल्लाह ताला कहेगा खुजू हो फगुल्लू, अरे फरिश्तों पकड़ो इस कमी, देखो इसके आंसू को ना देखो, इसके चिल्लाने को ना देखो। खुजू हो फगुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ करके कमर में और हाथ और पैर में जहन्नम की पेड़ियों में जकड़ करके इसे जहन्नम में बहा दो। क्यों? इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहि लाजीम, ये सबसे बड़ा मुजरिम दुनिया में था कि अल्लाह के लिए के दरबार में कभी ये ईमान ला करके नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ, या अल्लाह को कुछ नहीं समझा, बस दारू में, शराब में, दौलत में, गाड़ी घोड़ों में, बदकारी में, जवानी में रबे दरगाह था, आज इसकी ही सजा। तो जब दोनों राहें अलग हो गई, हिसाब हो गया जन्नत जहन्नम का, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। अब कोई नहीं है, जितने जिन्नात इंसान थे हिसाब हुआ, अपने अमाल के मुताबिक जन्नत जहन्नम में चले गए। तो जन्नत कितनी बड़ी और जहन्नम कितनी बड़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया कि ईमान वाले मर्दों, ईमान वाली औरतों, उस जन्नत को मांगो अल्लाह से, जन्नतुल फिरदौस मांगो, वो जन्नत मांगो, नमाज बाद मांगो। अर्ज़ुहा का रज़ि समावात वल्लर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, एक जन्नत, एक जन्नत की लंबाई चौड़ाई आसमान जमीन के बराबर अकेले है, जो एक मेहरारू एक मर्द एक मिली। अब बताओ 10 करोड़ औरतें और 10 करोड़ मर्द अगर जन्नत में जाए तो उनके जन्नत कहां रही, जब एक मिलक अकेले इतना मिलक है, 50 बीघा जब कुल जमीनीय है, एक मिलक अकेले मिला है 50 बीघा तो और भय में तो गुल है हिस्सा ना। कुरान समझना इतना आसान नहीं है, अल्लाह जिसको समझाएगा वही समझ पाएगा, समझे। ये साइंस वाले पूरी दुनिया के, अमेरिका, बर्तानिया, बेल्जियम और हिंदुस्तान, चाइना, ये कुल के कुल अपनी किताबों में लिख करके अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं कि एक तरई, एक तारा आसमान का सूरज चांद से बड़वार है, एक तरई। अब गिनो कै तरई है, अगर अल्लाह ताला एक तरई कितनी लंबाई चौड़ाई एक जन्नती को दे दे तो हो गया कि नहीं हो गया, है? हो गया। ये तो एक दिमाग को समझाने की मिसाल है, वरना अल्लाह जो चाहे कुल हो जाएगा, जब चाहे तब हो जाएगा। का अर्ज़ुहा का रज़ि समावात वल्लर्ज़, एक जन्नती को जो जन्नत मिलेगी वो जमीन और आसमान की लंबाई चौड़ाई के बराबर होगी, एक जन्नत। तो भैया जब एक जन्नत मिल गई तो वहां औरतें जो होंगी जन्नत की, और ये दुनिया की औरत की जन्नत, दुनिया की औरत उन तमाम जन्नती औरतों की सरदार और मलकिन होगी, और उसकी सुंदरता उन जन्नती औरतों से और ज्यादा सुंदर होगी जो दुनिया की औरत है। बड़ी बदनसीब है वो औरत कि मरने के बाद वो जहन्नम में चली जाए और उसका मर्द जन्नत में चला जाए,
और बड़ा बदनसीब है वो मर्द कि मरने के बाद वो जहन्नम में चला जाए और उसकी औरत जन्नत में चली जाए, जोड़ा बिछुड़ जाए। इससे ज्यादा बुरा न कोई मर्दों में है ना औरतों में। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, ईमान वाले मर्दों, ईमान वाली औरतों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखो, शिर्क ना करो, नमाज पढ़ो, तो हम जन्नत में तुमको, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे भाई बहनों को इकट्ठा बसा देंगे, इकट्ठा। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जहल ने उनकी मां को वकास के बाजार में बरछी मार दिया ढोड़ी के नीचे। हजरत माई सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ढोड़ी के नीचे बरछी मार, और वतने नहीं कि बरछी मार दिया तो मर गई, एक पैर में रसरी बांधा और एक ऊंट के पैर में बांध दिया, और दूसरे पैर में रस्सी बांधा और दूसरे ऊंट के पैर में बांध दिया, और दोनों ऊंटों को ऐसे खड़ा कर दिया पूरब पश्चिम। एक ऊंट को मारा उधर भागा और एक ऊंट इधर भागा, माई सुमैया के दोनों पैर चीर के अलग अलग हो गए, और यही नहीं उसमें बरछी भी मारा। मां मरी पड़ी है ऐसे ही, और दोनों हिस्सा जिस्म का फाड़ा हुआ है और जवान बेटा बांधा हुआ ऐसे खड़ा है वहीं। हिम्मत नहीं हुई बेटा जाए तो कहां जाए। फिर उनके बाप यासिर को बुढ़ापे में